कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिए रामपुर व आसपास के क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान जोरों पर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से फ्रंटलाइन व स्वास्थ्य वर्कर्स के बाद अब आम नागरिकों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों को टीका लगाने का कार्य तेजी से आरंभ किया है। रामपुर मंडल क्षेत्र में अब तक 6000 से अधिक लोगों को कोरोना से बचने के लिए टीका लगाया गया है। इनमें से 2500 से अधिक वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। कोरोना वैक्सीन लगा चुके वरिष्ठ नागरिकों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि कोविड की लड़ाई लड़ने के लिए टीका अवश्य लगाएं, ताकि अपने आप को सुरक्षित कर सके। उन्होंने आम लोगों से भ्रांतियों में न आने की भी अपील की है। खंड चिकित्सा अधिकारी रामपुर डॉक्टर आर के नेगी ने बताया कि टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हुआ था। इसमें अभी तक हम फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर और वरिष्ठ नागरिकों को जोड़कर कुल 6000 से अधिक लोगों को टीका कर चुके हैं, जिसमें 2500 से अधिक वरिष्ठ नागरिक। उन्होंने बताया कि टीकाकरण से भी सुरक्षित हैं, किसी को कोई समस्या नहीं हुई। अब दूसरा डोज भी शुरू किया गया है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि भ्रांतियों में ना आकर कोविड का टीका लगाएं और अपने को सुरक्षित करें। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं कि वो टीकाकरण के प्रति जो कुछ भ्रांतियां चल रही है उस भ्रांति में ना जाए। ये टीका बिल्कुल सुरक्षित है और आज हमारे को अगर कोरोना का आप देखोगे जैसे के केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी लहर आ रही है, तो उसको देखते हुए हमें ये जो टीका जो लग रहा है ये हमें पूरी तरह सुरक्षित है और लोगों को इससे बचाएगा। मैं लोगों से ये भी आह्वान करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, अपने आप आए और टीके को लगाएं। इसके प्रति जो भ्रांतियाँ चल रही है उन बातों में ना जाएं, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें। किन्नौर या गप्पा के पूर्व प्रधान 76 वर्षीय छैरिंग गयालू ने बताया कि उन्होंने आज कोविड 19 का टीका लगाया। उन्होंने बताया रामपुर में टीकाकरण बड़े सौहार्द पूर्ण नहीं हुई। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि टीकाकरण से कोई हानि नहीं होती है, समय रहते टीका लगाकर अपने आप को सुरक्षित करें। मैं छैरिंग गयालू नेगी पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत यम्पा हाल आगे भी मैं रहता हूँ। मैंने आज कोविड-19 का टीका लगवाया। यहाँ रामपुर हॉस्पिटल में बहुत आराम से लगाया इन्होंने और कोई किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है और बहुत अच्छा है। मैं आगे सभी जनता से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी समय रहते इस टीका को लगवाएं, ताकि हमारा आगे अपना भविष्य को बचा सकें। रामपुर के सूरज सिंह ने बताया कि उनकी उम्र 67 वर्ष है। आज उन्होंने कोविड का टीका लगाया और सौहार्दपूर्ण माहौल में टीकाकरण हुआ। उन्हें टीका लगाने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि भ्रांतियों में न आकर कोविड का टीका लगाएं और अपने को सुरक्षित रखें। मेरा नाम सूरज सिंह है, मैं स्थानीय निवासी हूँ रामपुर शहर का। मेरी उम्र 67 वर्ष है। आज मैंने कोविड का टीका लगाया और यहाँ पर बहुत ही सौहार्द वातावरण में हॉस्पिटल में लगाया गया है और मुझे अभी कोई आधा घंटा के करीब बैठे हुए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई मेरे को समस्या नहीं आ रही है और मैं सभी से अपील करता हूँ कि इस टीके को ज़रूर लगाएं और इस भ्रांति में न रहे कि इसमें रिएक्शन होता है या गलत चीज़ है, ये सबको ही लगाना चाहिए।